जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जो 100 के आसपास हैं। आज मैं गुणा करने की आपको तीन ट्रिक बताने वाला हूं। पहली ट्रिक में हम सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 से कम होती हैं उनका गुणा कैसे किया जाता है। दूसरी ट्रिक में हम ये सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 से ज़्यादा होती हैं उनका गुणा कैसे किया जाता है। और तीसरी ट्रिक जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ये सीखेंगे कि एक संख्या 100 से ज़्यादा हो और दूसरी संख्या 100 से कम हो तो ऐसी संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जो 100 से कम होती हैं। तो यहां पर देखिए 98 ये भी 100 से कम है और 92 ये भी 100 से कम है। अब देखिए इसका गुणा कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 100 से कितना कम है। ये 100 से 2 कम है मतलब कि -2। ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है मतलब कि -8। अब देखिए आंसर कैसे आएगा, आपको क्या करना है, या तो आप इसको इसमें से घटा दीजिए या इसको इसमें से घटा दीजिए। तो चलिए इसको इसमें से घटाते हैं तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा 90। ठीक है, तो ये 90 बच गया। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 8 दुनी हो जाएगा 16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आ गया। चलिए एक और सीखते हैं। अब देखिए उसी की तरह दूसरा सवाल है, 97 मल्टीप्लाई 91। अब देखिए ये दोनों संख्याएं 100 से कम है, चेक कर लीजिए ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 3 कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 9 कम है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए आपको या तो इसको इसमें से घटा देना है या इसको इसमें से घटा देना है। तो चलिए इसको इसमें से घटाते हैं तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 88 यानी कि 88। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 9 + 27 होंगे तो ये 27 हम यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। एक एग्जांपल और समझेंगे इसका, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल आपके सामने है, यहाँ पर भी दो संख्याएं हैं, ये 100 से कम है। तो यहाँ पर देखिए 92 ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 8 कम है। 93 ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 7 कम है। ठीक है, अब क्या करना है, या तो इसको इसमें से घटा देना है या इसको इसमें से घटा देना है, सेम ही आएगा। तो चलिए 92 में से 7 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 85। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56, और यही हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप उसको नॉर्मल वाली मेथड से करते तो आपका सवाल लगभग 1 से 2 मिनट ले लेता, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ ही सेकंड में आंसर निकल कर आ गया है। चलिए अब हम सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 से ज़्यादा होती हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 से ज़्यादा होती हैं उनका गुणा कैसे किया जाता है। तो इसमें भी मैं आपको तीन एग्जांपल बताऊंगा, आपको तीनों को सीखना पड़ेगा क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन है, उनको आपको सीखना जरूरी है, नहीं तो आप गलती करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 102 और यहाँ पर है 106, इन दोनों का हमें गुणा करना है। कैसे करेंगे, देखिए हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 100 से कितनी ज़्यादा है। तो ये 2 ज़्यादा है मतलब कि +2, ये कितनी ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है मतलब कि +6। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करना है, या तो आप इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसको इसमें जोड़ दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए इसको इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 102 और 6 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है तो क्या हो जाएगा, 6 × 12। तो ये 12 हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, अब देखिए इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम संख्याओं को थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं, फिर देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने है, सवाल क्या है, 101 × 105। अब इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी समस्या आने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना है, 101 और यहाँ पर कितना है, 105।
5, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 1 ज्यादा है मतलब कि प्लस 1, ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है मतलब कि प्लस का 5, ठीक है। अब क्या करना है, या तो आप इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो चलिए इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 यानी कि 106 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके यहां पर लिखना है, तो यहां पर देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 लिख देंगे, लेकिन ये गलत आंसर है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक जीरो लगाना पड़ेगा तभी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि हमें यहां पर हमेशा 2 अंक ही चाहिए, अगर 2 अंक नहीं होंगे तो हम एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको 2 अंक ही लिखना है। अब मान लीजिए यहां पर 3 अंक आ जाते हैं, तब आप क्या करेंगे, तो चलिए उसको हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि 112 और 110 का हमें गुणा करना है, तो उसी ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 100 से कितनी ज्यादा है, तो ये 100 से 12 ज्यादा है, ठीक है। ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 100 से 10 ज्यादा है मतलब कि प्लस का 10, ठीक है। यहां तक तो सेम ही है, अब क्या करना है, या तो आप इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो चलिए इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 122, ठीक है। 12 और 10 22 हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके यहां पर लिखना है, तो चलिए गुणा करके लिख देते हैं, तो 12 और 10 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये 3 अंक आ रहे हैं, लेकिन हमें तो 2 ही अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो अगला अंक है, ये जो तीसरा अंक है, इसको इसके ऊपर हासिल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 और ये दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, आपको बस यही ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर 1 अंक आ जाता है तो आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, अगर 3 अंक आ जाते हैं तो आपको तीसरे वाले अंक को अगले वाले अंक के साथ में जोड़ देना है, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे कि एक संख्या 100 से ज्यादा हो और दूसरी संख्या 100 से कम हो तो उसका गुणा कैसे किया जाएगा, तो चलिए तीसरी ट्रिक को देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है जिसमें एक संख्या 100 से कम है और दूसरी संख्या 100 से ज्यादा है, तो इन संख्याओं का गुणा ट्रिक से कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो 100 से कम है ये संख्या 100 से कितनी कम है, तो यहाँ पर देखिए 2 कम है मतलब कि -2, और ये ज्यादा है तो ये 100 से कितनी ज्यादा है, तो ये 100 से 2 ज्यादा है मतलब कि प्लस का 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है, अब आपको करना क्या है, या तो आप इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसको इसमें से घटा दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए इसको इसमें से घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां पर ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करें कितना हो जाएगा, 2 दुनी 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 आ गया, ठीक है। लेकिन 4 आपको यहां पर नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, यहां पर आपको 2 जीरो बढ़ा देना है और ये जो संख्या है इसको इसमें से घटा देना है, बस यही ट्रिक है, इसी से आप इसको हल करेंगे। चलिए इसको घटाते हैं, तो देखिए यहां से हम उधार लेंगे, यहां 10 हो जाएंगे, फिर यहां से एक उधार लेंगे, यहां पर 10 हो जाएंगे, यहां पर 9, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 10, 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, ठीक है। यहां पर कितने बचेंगे, यहां पर आएगा 9, फिर यहां से भी हमने एक उधार लिया था तो यहां पर भी 9 ही बचेंगे, फिर यहां से उधार लिया था तो यहां पर भी 9 ही बचेंगे, और ये 1 तो बचा ही नहीं क्योंकि हमने इसी को उधार लिया था, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है सवाल, तो इसमें देखिए ये जो संख्या है 100 से ज्यादा है और ये 100 से कम है, तो देखिए ये 100 से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है मतलब कि +3, ये 100 से कितनी कम है, तो ये 8 कम है मतलब कि -8, ठीक है। अब क्या करना है, या तो आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, प्लस वाली संख्या को आपको हमेशा क्रॉस में जोड़ देना है, और अगर घटाएंगे तो आपको माइनस वाली संख्या को क्रॉस में से घटा देना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहां पर देखिए चलिए घटा देते हैं, तो यहां पर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 95, ठीक है, 95 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 + 24, तो ये 24 हो गया,
24 को आपको यहां पर नहीं लिखना है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, दो जीरो और इसको इसमें से घटा देंगे, तो ये माइनस का 24। चलिए घटाते हैं, तो देखिए यहां पर 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहां पर एक उधार लिया था तो यहां पर कितने बचेंगे, 4 और ये 9। ठीक है, तो 94-76 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो ट्रिक है किस तरीके से काम करती है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।